तो बता दें कि किसान आंदोलन का ये 31वां दिन है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बेहद ही अहम जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन का ये 31वां दिन है, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, पूरा एक महीना हो चुका है। प्रदर्शन व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। किसानों ने बातचीत किया, हालांकि अब संदेश दिए हैं, किसानों की अहम बैठक आज होगी जिसके बाद से फैसला लिया जाएगा कि आगे किस तरीके की रणनीति तय करनी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, सरकार की चिट्ठी पर यह बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी सरकार की आई चिट्ठी पर बैठक हो चुकी है। दोपहर 2 बजे सिंघु बॉर्डर पर यह मीटिंग होगी और उसके बाद आगे का रास्ता साफ होता दिख सकता है। हरियाणा में आज भी टोल फ्री करेंगे किसान। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसानों की तरफ से कई बार टोल फ्री किया जा चुका है, कल भी किसानों ने टोल फ्री किया था और आंदोलन अब व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि टीकरी बॉर्डर पर आज एक मौत भी हुई है किसान की। आपको बता दें कि ये किसान की मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है, लेकिन अब किसान नई रणनीति तय करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की आज 2 बजे अहम बैठक होने जा रही है जिसके बाद से आगे की स्थिति कुछ साफ होती नजर आएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक आज रखी गई है, पूरा एक महीना हो चुका है, 31वां दिन है जिसमें ये किसान आंदोलन प्रवेश कर चुका है। तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं और अब महिलाएं भी इसमें शामिल हो चुकी हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लगातार ये व्यापक स्तर पर फैल रहा है आंदोलन। हर राज्य से किसान जो है वो दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं और कई राज्यों के किसान यहाँ आ भी चुके हैं, चाहे बुराड़ी मैदान की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघु बॉर्डर की बात करें। तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं और टोल फ्री भी कराया गया है और आज भी किसानों ने ये बात कही है कि टोल फ्री कराया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं और अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 11 महिलाएं भूख हड़ताल पर रहने की बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें से 7 पंजाब की तो 4 हरियाणा की महिलाएं हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किसान संगठन की तरफ से 11 किसान डेली ही भूख हड़ताल पर बैठते हैं और अब क्योंकि किसान नेताओं को जो केंद्र सरकार है वो चिट्ठी लिख चुकी है, तो उसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस चिट्ठी को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि सरकार बाबा घूम घूम कर एक ही बात पर आ जाती है, इधर उधर की बातें करती है, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द करने की कोई भी बात नहीं आ पाती है। और अगर 3 कृषि कानून रद्द करने की बात नहीं निकल कर सामने आती है तो आगे की बातचीत कोई भी नहीं की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, बार बार बातचीत करने की बात कही जा रही है, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। भविष्य त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघु बॉर्डर से, ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे सिंघु बॉर्डर का भविष्य, किस तरीके के हलचल इस वक्त सिंघु बॉर्डर पर है भविष्य। देखिए दीपिका, क्योंकि लगातार 26 पूरे 31 दिन यानी कि एक महीना किसान आंदोलन को हो चुका है और हम लगातार 31 दिनों से ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। चाहे सिंघु बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो या टिकरी बॉर्डर की बात हो, ग्राउंड जीरो से किसान आंदोलन की हर अपडेट जनता टीवी सबसे पहले दिखा रहा है। हमने कुछ तस्वीरें से पहले आपको दिखाई थी, मंच की तस्वीरें भी अपने दिखाई थी, कुछ दिलचस्प तस्वीरें, क्योंकि लगातार आंदोलन को समर्थन देने आ रहे लोग और तरह तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को अपनी मांगों को लेकर। तो वो तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से एक शख्स यहाँ पर पहुँचता है कैदी के लिबास में, जंजीर में जकड़ा हुआ और 500-500 के नोट प्रतीकात्मक तौर पर उसके हाथ में, वो एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि सरकार किसानों को इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे कि कैदी हो। कुछ युवा भी यहाँ पर पहुँचे थे जो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग पर लिखा हुआ था इंग्लिश और पंजाबी में नो फार्मर नो फूड, यानी कि लगातार देखिए जिन मांगों पर अड़े हुए हैं या यूं कहे कि जिन मांगों की लगातार मांग कर रहे हैं, जिन बिंदुओं पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है वो बनी हुई है। हालांकि देखिए तस्वीरें में, ये बाहर की तस्वीरें, मंच से बाहर की तस्वीरें हैं, लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम दीपिका यहाँ पर बने हुए हैं 24 घंटे, क्योंकि बड़ी संख्या में गैदरिंग है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि सर्द मौसम है, सुरक्षा बलों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, अलाव का सहारा सुबह सुबह और रात भर यहाँ पर सुरक्षा बलों को लेना पड़ रहा है। तो ये देखिए कुछ युवा भी लगातार पहुंच रहे हैं, मैं आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक तरफ आगे की तरफ मंच लगा हुआ है दीपिका, और लेकिन क्योंकि देखिए बातचीत की हम बात कर रहे थे, बातचीत को लेकर क्या कुछ होना है, 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 6 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन फिलहाल दोबारा
एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया। जॉइंट सेक्रेटरी जो है कृषि कल्याण विभाग के विवेक अग्रवाल, उन्होंने एक दोबारा से एक प्रस्ताव भेजा है, उस पर अब चर्चा होनी है। क्या क्या प्रस्ताव जो बैठक के लिए आगे टेबल टॉक के लिए दिया गया है उस पर सहमति बन पाएगी, और अगर सहमति बन पाएगी तो टेबल टॉक पर जब एक साथ सामने आएंगे किसान संगठन के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे, तो क्या रूपरेखा होगी, किस फॉर्मेट पर बात होगा? क्योंकि देखिए पहले संशोधनों की मांग थी और किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर अगर बात करनी है, क्योंकि इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों ने की थी तो कहा था कि कोई ठोस प्रपोजल आप दें, ठोस कंक्रीट प्रपोजल आप देंगे तब इस पर विचार किया जा सकता है। उसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से लिखा गया कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए सरकार तैयार है। तर्कपूर्ण समाधान अब वो क्या होगा? सरकार का एक प्रत्यक्ष तौर पर इस कहना था कि बिंदुओं पर क्लॉज वाइज बातचीत हो सकती है, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण दीपिका इसलिए हो जाती है कि आज की बैठक में कि क्या जो एक डेडलॉक है, क्योंकि डेडलॉक हालांकि पत्राचार जो हो रहा है सरकार और किसान संगठनों के बीच से उसमें कहीं ना कहीं टूटता दिखा जरूर है, लेकिन टेबल टॉक तक बात नहीं पहुंची है। जरूरी है क्योंकि एक महीने का वक्त बीत चुका है और अब क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है सर्द मौसम में, तो कहीं ना कहीं एक मुकाम इस आंदोलन को मिलना चाहिए, कुछ समाधान किसानों की समस्याओं का निकलना चाहिए। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन बता दूं दीपिका, अब टेबल टॉक के लिए क्या राजी होंगे किसान संगठन, इस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, किसान नेताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत से लगातार बातचीत हो रही है, जानकारी हम उनसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टैंड क्या होगा। वो ये उनका लगातार ये कहना है कि हम लगातार अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, 26 जनवरी को परेड की जाएगी, 10 दिन का उन्होंने वक्त दिया था कि 10 दिन लगेगा जो है सरकार को लाइन पर आने के लिए। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि सरकार पहले अपनी जो ये पैंतरेबाजी है इसको खत्म कर ले, उसके बाद बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं देखिए किसानों को भी उम्मीद है, किसान संगठनों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा, और ये बातचीत के लिए जो बातें सामने आ रही है इसमें आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए दीपिका, पहले मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, एक लेयर की सिक्योरिटी, एक लेयर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हमने आपको दिखाई, दूसरी लेयर यहाँ पर तैनात की गई है, पैरामिलिट्री के जवान है, क्विक रिस्पॉन्स टीम है, दिल्ली पुलिस के जवान है, तमाम जो व्हीकल हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए दिल्ली पुलिस के हों या बाकी जो व्हीकल हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो सुरक्षा के खासे इंतजाम हैं और सुरक्षा में एक महीने बाद भी कोई ढील नहीं है, लेकिन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि आज हम दिखा रहे थे ये तस्वीरें, देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं उस तरफ जो है मंच लगा हुआ है, मंच पर गुरबानी चल रही थी जब हमने इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी, और लोग पहुँच रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, कई तरह के अलग अलग संगठनों के लोग भी पहुँच रहे हैं, किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं दीपिका। तो ऐसे में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण, जो हम जिक्र कर रहे थे कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बैठक आज होगी तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या बातचीत के लिए आगे आएंगे किसान संगठन, क्या जो डेडलॉक बातचीत का टेबल टॉक के लिए जो डेडलॉक था वो डेडलॉक क्या टूट पाएगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। जी दीपिका, बिल्कुल भविष्य, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला। फिलहाल भविष्य, जो प्रस्ताव किसानों को भेजा गया, क्योंकि चिट्ठी पहले भी भेजी गई थी और पहले भी इसी तरीके से एक बैठक रखी गई थी, आज भी एक 2 बजे बैठक रखी गई है, तो क्या कुछ उस प्रस्ताव में मुख्य बिंदु है, क्योंकि किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि गोल गोल घूम के एक ही पॉइंट्स लिखे होते हैं, कुछ भी नया नहीं होता है, अगर कुछ नया होगा तभी बातचीत होगी, और अब बातचीत के लिए दोनों तरफ से तैयार, ऑलमोस्ट तैयार ही है। देखिए ये बात दीपिका, दोनों जो पक्ष हैं वो समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर अब हो रहा है, और एक जानकारी आपको दे दूं कि 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉलियां 27 तारीख को पंजाब से फिर यहां पर पहुंच रहे हैं, तो लगातार ये आंदोलन जो है बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की संख्या, किसानों की संख्या, इस आंदोलन को समर्थन देने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो लेकिन इस बीच जो मैं जिक्र कर रहे थे कि दोनों पक्षों को ये बात मालूम है कि बिना टेबल टॉक के ये मामला हल नहीं होने वाला है। सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। बीते दिन की अगर बात करें, किसानों से संवाद किया प्रधानमंत्री ने, अलग अलग राज्यों के किसानों से संवाद जब किया उस वक्त क्या रहा, कई किसानों से बातचीत हुई, उसमें
इस तरह की बातें सामने आई जिसमें कृषि कानूनों से लाभ लेते किसान भी अपनी बात रखते सामने आ रहे थे। हालांकि कुछ लोग इसे एक मेगा इवेंट के तौर पर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेगा इवेंट करके के जो सरकार का पक्ष है उसको मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन एक आरोप भी ये लग रहा है कि ग्राउंड पर जहां किसान सर्द मौसम में अपने इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों पर ये अपील कर रहे हैं कि जो गिफ्ट आप दे रहे हैं हमें वो गिफ्ट नहीं चाहिए। बिंदुओं की मैं बात कर रहा था। देखिए, अब जब दोनों पक्ष ये समझ रहे हैं कि बातचीत के बिना हल नहीं होगा, तो ऐसे में सरकार ने थोड़ा लचीलापन दिखाया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया आदिप्रिका कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं कृषि कल्याण विभाग के, उन्होंने भी एक अलग प्रस्ताव भेजा है, एक अगला प्रस्ताव भेजा और ये कहा कि नए सिरे से बातचीत होगी। अब नए सिरे से जब बातचीत होगी तो नए सिरे से बातचीत की रूपरेखा क्या होगी, क्या मुद्दे होंगे, इन पर चर्चा होनी बाकी है। जी दीपशिका, बिल्कुल, भविष्य में देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बहुत सारे किसान एकत्रित हो चुके हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। भविष्य, तो भविष्य त्यागी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, सरकार की जो चिट्ठी उनको भेजी गई है उसको लेकर ये चर्चा होगी, चिंतन मंथन किया जाएगा, सिंघू बॉर्डर पर ये किसानों की मीटिंग होनी है और दिल्ली की सीमाओं पर आपको बता दें कि लगातार ही 31वां दिन है आज जहां किसान डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को का विरोध कर रहे हैं, उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का लगातार एक ही कहना है कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए और जिस MSP की लगातार बात हो रही है उस पर नया कानून लाना चाहिए, और इसी को लेकर गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन अब जो ऑप्शन निकल कर सामने आ रहा है उसमें एक बार फिर से किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से नए सिरे से बातचीत होने की खबरें आ रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें, ये जानकारी डब्बावाली से आ रही है। कांग्रेस विधायक ने शुरू की बस सेवा, डब्बावाली से दिल्ली के लिए बस सर्विस शुरू की गई है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, किसानों के लिए शुरू की गई है बस सेवा। और देखिए बैनर भी आप देख पा रहे हैं, किसानी बचाओ आंदोलन डब्बावाली के तहत ये बस सर्विस शुरू की गई है। कांग्रेस विधायक हैं जिन्होंने ये बस सेवा शुरू की है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, डब्बावाली से दिल्ली के लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। तो बता दें कि किसान आंदोलन का ये 31वां दिन है और इस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है वो जरूर आपको सुना देते हैं। आज तू 2 साल पहले काले कानून पास कर दिते सी, बादल ने विच बैठ के कैप्टन अमरिंदर ने विच ही मोदी ने विच भी जिन्हें भी इन्हां सारे सियासी लीडर ने, असि तो ये कहने अपने काले कानून ये साडे किसानों वास्ते बनाए गए ने, हुण जदों किसान नूं इह कानून पसंद ही नहीं, इन्हें साढ़े बनाए फायदे वास्ते, हुण सानू नहीं पसंद, ये अपने आप वापस कर लवे, रद्द कर लवे, सानू ये काले कानून चाहिए नहीं, असी अपनी किसानी आप कर सकते हैं। जे ये कहिंदा है कि मैं पंजाब ते राज करांगा फिर इहदी बहुत वड्डी गलती है। मोदी सरकार को हमने चुन करके बैठाया और वो ही हमारा विरोध कर रहे हैं, वो एक तरह से अंग्रेजों के जो जमाने के चमचे हुआ करते थे, आज भारत की सरकार और भारत के जो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं ये अंग्रेज जमाने के चमचे हैं और अंग्रेजों की हुकूमत पर वही तरह से राज कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि किसानों का समर्थन करें, ये एक सैनिक का आपसे निवेदन है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही मांग करते हैं भाई, जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए आ किसानों के खिलाफ कारपोरेट जगत नू लाभ देने लई, वो सिर्फ रद्द किए जान, MSP जड़ी आ उनू कानूनी दर्जा दिता जाए, कोल स्टेज ते आके साडी गल सुन, साडियां मामा भैणा बजुर्ग साडे जड़े आ हो, देखो तुसी 1 महीने ठंड दे विच 2 डिग्री टैंपरेचर दे विच सड़कां ते रुलदे पए आ पर किसी की कोई गल सुनी नहीं रहे, सो इन्नी निर्दयी सरकार आ, ये बिल्कुल ये कानून वापस होने चाहिए, ये मेरी सारे भरावां वल्लों बेनती है। सरकार असी मोदी सरकार नूं इहो बेनती करदे आ कि 3 काले कानून रद्द किए जान, जो ये कह रहा है कि जे किसान अतवादी हैं, ये अतवादी नहीं, मैं फौजी हाँ, जब हम फौजी लड़ते हैं बॉर्डर पर तो शहीद,
जब हम लड़े हिंदुओं के लिए तो फरिश्ते, जब हम अपने लिए लड़े तो अत्वादी। हम अत्वादी नहीं, हम किसान हैं, किसान एकता जिंदाबाद। हम बेनती करते हैं मोदी को कि तने काले कानून रद्द कर दिए जाएं। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। सारी सुविधाएं जो हम किसान बुराओं को दे रहे हैं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए, जैसे कि सॉक्स दे रहे हैं, अपना इनर दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो किसान भाई जो हमारे पास आते हैं, हम उनको पूरी तरह से सेवा उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि ये किसान भाई हमारे हैं, हम इनका पूरा साथ देंगे। चलिए अब रुक करते हैं सीधा सिंह बॉर्डर का, जहां पर हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। भविष्य है, अब किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि आज भी टोल फ्री कराया जाएगा, कल भी उन्होंने टोल फ्री कराया था, आज भी टोल फ्री कराएगा और आज बैठक भी है, इस समय क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए फिलहाल क्योंकि तीन दिन के लिए आह्वान किया गया था किसान संगठनों की तरफ से, जो टोल होंगे उनको फ्री कराया जाएगा। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और 27 तारीख को तीसरा दिन होगा। क्योंकि रणनीति के तहत, क्योंकि किसान आंदोलन को किस तरीके से तेज किया जाना है ये रणनीति बनाई गई थी और इसी रणनीति के तहत जो है आगे बढ़ा जा रहा है। 27 तारीख को क्योंकि काफी अहम हो जाता है, 27 तारीख को तीसरा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधन करने वाले हैं मन की बात के जरिए, कार्यक्रम के जरिए जो है वो संबोधित करेंगे। हो सकता है किसानों के लिए भी कुछ कहें, लेकिन किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था कि थाली पीटकर उनके इस संबोधन का विरोध किया जाएगा और तर्क ये दिया गया था कि हम जब तक हमारी मांगे जो हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार नहीं मानती, तब तक किसानों के या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को नहीं सुनना थे, इसलिए थाली के शोर के पीछे उनके इस संबोधन को, उनकी इस आवाज को दबा दिया जाएगा। तो ये एक रणनीति जो फॉर्मेट है ये तय किया गया था किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन तस्वीरें देखिए, दीपिका ग्राउंड पर मैं मौजूद हूँ, कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जैसे मैंने सुबह जानकारी दी थी कि जो यहाँ पर लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं, जो जानकारी लगातार दी जा रही है उसमें इस तरह की बातें, इस तरह की हिदायतें आंदोलनकारियों को दी गई थी कि इसको एक पिकनिक प्लेस ना बनाए या फिर कुछ इस तरह की हरकत ना हो जिससे इस आंदोलन की एक गलत इमेज जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तो यहां पर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जा सकता है। अभी एक शख्स जो है वो यहां पर इस तरह की बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा था कि क्या इसको एक दूसरा शाहीन बाग इसको बनाना है। हालांकि बड़े ही समझा बुझाकर यहां से उसे ले जाया गया, जो दूसरे आंदोलनकर्ता हैं जो यहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह की जो शरारती तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बातचीत पर आएंगे दीपिका, क्योंकि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव से इतर एक बातचीत, एक टेबल टॉक जरूर हो और संघर्ष की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि लगातार, जैसे मैंने पहले जानकारी दी थी कि 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं वो 27 तारीख को, क्योंकि उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम है उसी दिन फिर से यहाँ पर दिल्ली में पहुंचने वाले हैं पंजाब हरियाणा से। तो ऐसे में देखिए, ये तो है कि जो आंदोलन है और धार पकड़ रहा है, मुश्किलें सरकार की बढ़ रही हैं। सरकार ने अभी तक जो अपना रवैया रखा है उसमें साफ तौर पर यह है, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही कि कृषि कानून को वापस तो नहीं लिया जाएगा। अब जब आज बैठक होगी किसान संगठनों की, उस पर हमारी भी नजरें बनी हुई हैं, यहीं पर ये बैठक होनी है सिंगू बॉर्डर पर, उसमें क्या कुछ खास रहेगा, क्या रणनीति तय होगी, क्या लेटर डिप्लोमेसी, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से जो लेटर भेजा गया था उसके बाद मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब एक इससे पहले राउंड की बैठक किसान संगठनों की हुई थी तो मैंने ये बात कही थी कि क्या कोई ठोस कदम निकल पाएगा या सिर्फ लेटर डिप्लोमेसी के तहत, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें देखी गई कि सरकार को सरकार के तरीके से ही किसान संगठन जवाब दे रहे हैं। तो क्या वो लेटर डिप्लोमेसी जो हो रही है क्या उसी को बढ़ावा मिलेगा, ये बातचीत के लिए कोई समाधान निकलेगा, इस पर जानकारी जरूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि क्या इस बारे में विचार किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि एक मैसेज सरकार ने दिया है दीपिका, एक मैसेज ये सरकार की तरफ से, बिल्कुल भविष्य आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, नजरें बना कर रखिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है।